थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत धरंग पंचायत में एक पेंटर ने कमरे में ही फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी तिलकराज ने की है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि दरंग में एक व्यक्ति ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलने पर डीएसपी तिलकराज थाना प्रभारी मनोहर चौधरी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर व्यक्ति के शव को कमरे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उक्त व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले 20 वर्षों से किराए के मकान में रह रहा था। व्यक्ति के 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पत्नी भी झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती है, जबकि 2 बच्चे घर में थे, बाकी सभी अपने अपने काम पर थे। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पहचान बलविंदर उमर 50 वर्ष के रूप में हुई है और होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि दरंग में एक व्यक्ति जो पेंट का कार्य करता था उसने कमरे में फांसी लगा ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। धर्मशाला पहुंचते ही नूरपुर से विधायक और मुख्यमंत्री जयराम के नए सिपाह सालार वन मंत्री राकेश पठानिया ने भाजपा और सरकार की ओर से विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। पठानिया ने कांग्रेस द्वारा निचले हिमाचल खासकर कांगड़ा को लेकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के बयानों को अफवाह और भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रम को मौजूदा भाजपा सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। भाजपा सरकार ने प्रदेश में सत्तासीन होने के साथ ही पूरे प्रदेश के विकास को एक समान गति प्रदान की है। इसमें चाहे सरकार की कैबिनेट में कांगड़ा के विधायकों को तरजीह देने की बात हो या फिर जिला के विकास कार्यों को शुरू करने की बात हो। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस जिला कांगड़ा को लेकर हमेशा जनता के सामने भ्रम फैलाती है, जबकि भाजपा ने कांगड़ा को विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ 3 मंत्रियों सहित योजना बोर्ड उपाध्यक्ष का पद भी दिया है। राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के अगले मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर ही होंगे, लेकिन कांग्रेस का नेता कौन होगा किसी को पता नहीं। पठानिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत इतनी ठीक नहीं है कि वे चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 14 लोग ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा व सचिव पर बीरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पठानिया ने कहा कि जल्द ही उनके विभाग द्वारा नई स्पोर्ट्स नीति कैबिनेट में लाई जाएगी और आगामी 15 सितंबर तक इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति आने के बाद ऐसे सभी खेल संगठनों को पंजीकृत किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि जल्द ही जिला कांगड़ा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सोलन साथ लगती मशीवर पंचायत में आयोजित किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वही महामंत्री नंदराम कश्यप और उपाध्यक्ष रीता कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और करीबन 100 पौधे भी रोपित किए, जिसमें ज्यादातर औषधि पौधे ही लगाए गए। ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य प्रकृति को बचाना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से देश को बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए पदाधिकारियों बलदीप कुमार, नंदराम कश्यप
और रीता कश्यप ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मशीवर पंचायत में कचनार के पौधे रोपित किए गए। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य जहां एक ओर प्रकृति को बचाना है, वहीं दूसरी ओर गाँव वासियों की आर्थिकी को भी सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि कचनार के पौधे से गाँव वासियों को जहां एक और कचनार मिलेगा जिसे वे बाजार में बेच सकेंगे, वहीं कचनार के वृक्ष से पशुओं के लिए भी चारा मिलेगा। पौधारोपण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रकृति का संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरीकरण से वायुमंडल दूषित होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, जिसके चलते वनों की बलि दी जा रही है। इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। हिमाचल के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर सिरमौर कल्याण मंच द्वारा चिल्ड्रन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस सिरमौर कल्याण मंच के पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सोलन के सभी नागरिकों ने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि यशवंत सिंह परमार प्रदेश को पहचान दिलाने के लिए जहां एक और इतिहास बदला, वहीं उन्होंने भूगोल को भी बदल कर रख दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी। वे चाहते थे कि हिमाचल की सुंदरता, यहां के लोगों की सहजता और भोलापन कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बदलाव किए। उन्होंने कहा कि उनकी योग्यता और दूरदर्शिता की वजह से हिमाचल का निर्माण हो पाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों के लिए इससे अच्छा दिन और कोई भी नहीं हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने जिला और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि युवा उनके योगदान को जाने और उन्होंने प्रदेश के लिए क्या योगदान दिया है वह समझें और उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने का प्रयास करें।